जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। सफलता का भान है जिसे आपका सम्मान है। सफलता का भान है जिसे आपका सम्मान है। तालीम का असर है, शिक्षा का असर है, जिसे ऊंचा आपका शर है। सो, इस वीडियो में हम जनरल अकाउंटिंग के शब्दावली को देखेंगे। पहला शब्द है एक्सपेंस। एक्सपेंस, अब एक्सपेंस होता क्या है इसको देखते हैं। आपका कोई बिजनेस है, आप व्यापार करते हैं, ये आपकी कंपनी हो गई, ये आपकी कंपनी है। अब इस कंपनी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आप जो भी खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। लेकिन यह खर्च क्या होना चाहिए? लघुकाल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लघुकाल में, लघु काल में होना चाहिए। अब लघु काल का मतलब क्या होता है? एक साल से कम। ठीक है, कुछ एक्सपेंस के उदाहरण देखते हैं, जैसे विद्युत, बिजली का बिल आप दे रहे हैं, पानी, श्रम मजदूरी के लिए आप दे रहे हैं सैलरी, तो ये सब क्या आता है? किसमें आता है? एक्सपेंस में आता है। किसमें आता है? एक्सपेंस में आता है। अब दूसरा शब्द है एक्सपेंडिचर। दूसरा शब्द क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अब एक्सपेंडिचर क्या होता है इसको हम समझते हैं। क्या एक्सपेंडिचर क्या होता है इसको हम, अब इसमें भी एक्सपेंस की तरह ही होगा कि हम लाभ करने के लिए खर्च करते हैं। कंपनी को लाभ हो इससे, इसके लिए हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा? दीर्घकाल होगा। क्या होगा? दीर्घकाल काल। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में ये आपको ध्यान रखना है। एक्सपेंस जो होता है लघु काल में होता है, यानी कि एक साल के अंदर, और एक्सपेंडिचर जो होगा वो दीर्घ काल में होगा। तो इसका उदाहरण देते हैं। अब आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी है, अब इस कंपनी में आपने, कंपनी के लिए आपने क्या खरीदा? लैंड खरीदा। क्या खरीदा? मशीनरी खरीदी। ठीक है, तो ये लैंड और मशीनरी पर आपने जो खर्च किया उसे ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में आप इस शब्द को याद रखिएगा, लघु काल तथा दीर्घ काल। अब दूसरा शब्द देखते हैं जिसको कहते हैं गेन। क्या कहते हैं? गेन। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिवृद्धि। क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि। अब ज्ञान गेन क्या होता है? अब कल्पना करिए आपका बिजनेस सही है, ठीक है। अब इसमें आपने जो मशीनरी खरीदी, क्या खरीदा? मशीनरी खरीदी। पांच साल तक उस मशीनरी ने काम किया, उसके बाद क्या हो गया? इसको आप बेचना चाहते हैं, दूसरी कोई मशीन लाना चाहते हैं जिसका क्या टेक्नोलॉजी में क्या है, वो अच्छी है और उत्पादन भी अच्छी देती है। जब आप इसको बेचते हैं उसी को गेन कहते हैं।
क्या कहते हैं उसी को, गेम कहते हैं। जब आप मूर्त जो एसेट होता है, टेंजिबल एसेट होता है, उसको बेचते हैं, उससे जो आपको प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं क्या, गेम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा गेम क्या है। अब देखते हैं ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग क्या होता है, इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अब आप का ये जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अच्छा खासा आपके पास पैसा आ गया। अब आप उस बिजनेस से कुछ रुपए निकालते हैं, कौन निकालता है, मालिक। कौन निकालता है, मालिक। कोई बिजनेस प्रतिष्ठान है जिसमें से मालिक खुद कुछ पैसे लेकर खर्च करता है, उसे ही बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग समझ में आया। कोई दुकान ही आपकी, अब दुकान से आपने पैसा निकाला, उसे ही ड्राइंग बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला है रिसीप्ट। रिसीप्ट, अब रिसीप्ट क्या होता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब कोई सामान आप बेचते हैं, कोई सामान आप बेचते हैं और उससे जो प्राप्त होता है उसे हम रिसीप्ट कहते हैं। कोई सामान आप बेचते हैं और उससे जो भी प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीप्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिसीप्ट बोलेंगे। अब इसको भी हम दो रूपों में देख सकते हैं, इसे रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट में हम विभाजित कर सकते हैं। अब रेवेन्यू रिसीप्ट जो है वो एक साल में आप जो एक साल में जो बेचते हैं, ठीक है, आपके पास सामान है, आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, अब एक साल में जो आपने बेचा है उसको, खरीदारी भी की है, तो उसको रेवेन्यू रिसीप्ट करते हैं। एक साल में जो आपने सामान बेचा उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। कैपिटल रिसीप्ट क्या हो गया, कैपिटल रिसीप्ट मतलब आप मशीनरी बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, मशीनरी बेच रहे हैं, आप लैंड बेच रहे हैं, मशीनरी बेच रहे हैं, लैंड बेच रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीप्ट। अब इसका उदाहरण से इसको समझते हैं, भारत सरकार की कोई कंपनी है। अब भारत सरकार कंपनी कौन सी है, जैसे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अब तेजस बनाती है, क्या बनाती है, तेजस। अब तेजस बनाती है और इसको बेचती है, तो ये क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीप्ट हुआ, सरकार को मिले। अब सरकार क्या कर रही है, वो हाल के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच दे, इससे जो प्राप्त होगा उसे कैपिटल रिसीप्ट कहें। ठीक है, ऐसा है कि आप लोगों ने समझा होगा रिसीप्ट क्या होता है। अब देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है इसको उदाहरण से समझते हैं। आपकी कंपनी है, अब कंपनी को कर देना है, क्या देना है, कर देना है, ठीक है, 2017 उसने अपना कर दे दिया, लेकिन उसके पास पैसा और ज्यादा है,
और वो चाहती है कि 2018 का भी क्या दे दूं, कर दे दूं, ठीक है, उसे ही बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, यानी पहले ही भुगतान कंपनी कर देती है, इसे सैलरी भी आ सकता है, कर भी आ सकता है, ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस इसको बोलते हैं। दूसरा है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसमें क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस का उल्टा हो जाता है। कंपनी ने क्या किया, 2017 का भी नहीं दिया और 2018 का भी नहीं दिया। उदाहरण से समझते, कोई मजदूर है, अब मजदूर 4 महीने से वेतन नहीं आ रहा है, 4 महीने से वेतन नहीं पा रहा, इसी को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब जब कंपनी इसको खर्च करेगी तो अचानक उसके पास भार आएगा, तो इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब अगली शब्दावली को देखते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। आपने कोई सामान खरीदा, कल्पना करते हैं भारत सरकार ने 36 रफेल विमान खरीदे, ठीक है, 36 रफेल विमान खरीदे। अब भारत सरकार 36 में 10 को वापस करना चाहती है, क्यों वापस करना चाहती है, क्योंकि 10 रफेल ऐसे हैं जिनकी गुणवत्ता कम है, यानी गुणवत्ता के आधार पर जब आप कोई सामान जो खरीदते हैं उसको वापस कर देते हैं, उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। दूसरा शब्द है सेल, सेल रिटर्न और सेल आउटवर्ड। अब इसमें कोई सामान आप बेचते हैं, क्या राफेल ले लेते हैं, राफेल ने क्या किया, 36 विमान भारत सरकार को बेच दी। अब 10 विमान वापस आ गए किसके पास, राफेल के पास, तो इसको बोलेंगे सेल रिटर्न या सेल आउटवर्ड। समझ में आया, सेल रिटर्न, सेल आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, परचेज आउटवर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टॉक क्या, सिंपल था, बहुत सिंपल। अब ये आपका गोदाम है, ये आपका गोदाम है, अब इसमें जो पुराना सामान रखा हुआ है उसे ही बोलते हैं स्टॉक, उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, जब आप कोई सामान बेचते हैं किसके माध्यम से बेचते हैं, पर्ची के माध्यम से,
पर्ची के माध्यम से बेचते हैं। हुंडी, आपको एक पर्ची मिल गई और उसी पर्ची के माध्यम से आपने अपना सामान बेच दिया, तो उसे ही बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, दूसरा है ट्रेड पेयबल। ट्रेड पेयबल, अब यहां क्या होगा, आपने क्या किया, पर्ची के माध्यम से सामान को खरीदा, यहां पर क्या हुआ, ट्रेड पर्ची के माध्यम से आप सामान बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर्ची के माध्यम से आप सामान बेच रहे हैं, और यहां क्या हुआ, पर्ची के माध्यम से सामान ले रहे हैं और उसका पेमेंट बाद में करेंगे, तो इसी को ही बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। ठीक है, आगे चलते हैं, डेटर। डेटर और क्रेडिटर, डेटर एंड क्रेडिटर, इसे भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये आपकी कंपनी है और ये आपके दोस्त की कंपनी है। ठीक, अब ये कंपनी आपको क्या दे रही है, सामान दे रही है, रॉ मटेरियल। तो इस कंपनी के आप क्या हो गए, डेटर हो गए। इस कंपनी के आप क्या हो गए, डेटर हो गए। अब दूसरा उदाहरण इस कंपनी के संदर्भ में समझते हैं, ये कंपनी क्या कर रही है, दूसरी कंपनी से सामान ले रही है, तो इसके लिए ये कंपनी क्या हो गई, क्रेडिटर। क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई। डेटर में क्या होगा, ये सामान किसी कंपनी को दे रही है, पैसा बाद में ले रही है, क्या, पैसा बाद में ले रही है, तो दूसरे कंपनी के संदर्भ में ये कंपनी क्या होगी, डेटर होगी। और वो कंपनी जो सामान दे रही है तो दूसरे कंपनी के संदर्भ में वो क्रेडिटर होगी। समझ में आया, डेटर क्रेडिटर। ठीक है, डेटर मतलब लेने वाला, क्रेडिटर मतलब देने वाला। ठीक है, अब लास्ट शब्द है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसे अकाउंटेंसी में मालिक कहते हैं। अब लगभग सारे शब्दावली कंप्लीट हो चुके हैं, सो यहीं तक, जय हिंद।